हेलो दोस्तों, चटपटी रसोई विद कविता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। थोड़े से व्यस्त होने के कारण मैं इस व्लॉग को डालने में थोड़ा सा देरी हो, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी जोधपुर के बारे में। तो जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। यहाँ स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीलों मकानों के कारण इस नगरी को नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। वर्ष पर्यंत चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर यह शहर है। तो देख रहे हैं आप, चारों तरफ हरियाली है, बगीचा है, झूले हैं जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आनंदित ये नगर है। मैं यहाँ पर आके बहुत खुश हुई। आप भी जब घूमने का प्रोग्राम बनाए तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए। तो अभी तो मैं यहाँ पर ठहरी हूँ IOCL के गेस्ट हाउस में। तो मैं वहीं का आपको पार्क दिखा रही हूँ, यहाँ के जो कुछ ये देखिए अंदर कमरे हैं। तो मैं यहीं पर ही अभी गेस्ट रूम में बैठी हूँ, ये हमारा रूम है। अभी हम थोड़ा नाश्ता करेंगे, फिर हम निकलेंगे। तो हमने नाश्ता कर लिया है और अब हम निकल पड़े हैं मेहरानगढ़ किले की तरफ। तो व्लॉग को लास्ट तक देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ हमको देखने को और जानने को मिलेगा आज वहाँ पर। तो थोड़ा सा हम इस किले के बारे में जान लेते हैं। मेहरानगढ़ किला, जिसका मेहरान किले के रूप में भी जाना जाता है, इस किले को 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और 410 फीट ऊंचाई पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मेहरान का अर्थ सूर्य है, इसीलिए राठौरों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम से इस किले को मेहरानगढ़ किले के रूप में नामित किया। मेहरानगढ़ किला विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है। इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर है जो बेहद शाही है। मेहरानगढ़ किले में 7 द्वार हैं जिनमें जयपोली सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इस किले में पर्यटकों को आकर्षित कर देने वाले 7 द्वारों के अलावा मोती महल, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल और सुरेश खान जैसे कई शानदार शैली में बने कमरे हैं। किले के निर्माण के लिए राव जोधा को एक ऋषि चीरिया नाथ जी को जबरदस्ती इस जगह से हटाया था। उनको जबरदस्ती यहाँ से निकल जाने के लिए कहा, जिसके बाद उस ऋषि ने क्रोध में आके राजा को श्राप दिया था कि इस किले को पानी की कमी हमेशा महसूस होगी, क्योंकि वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे ऋषि। लेकिन बाद में राव जोधा ने उनके लिए एक मंदिर और एक घर बनवा कर उनको प्रसन्न किया ताकि वो प्रसन्न हो जाए। इसके अलावा कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों को भी यहाँ पर शूट किया गया है, जिसमें से काफ़ी तो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कि डार्क नाइट राइजेस, द लॉयन किंग और टर्क्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शामिल है। तो हम आ चुके हैं मेहरानगढ़ के मुख्य द्वार पे, जो कि जयपोली के नाम से प्रसिद्ध है। आते ही हमने यहाँ पे टिकट का काउंटर देखा, जो कि प्रति पर्सन 200 रुपये है। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का भी प्रबंध है, जो कि 50 रुपये में मात्र आपको ये ऊपर लिफ्ट में ले जाएंगे। यहाँ पे हमने लोकल कलाकार भी देखे जो बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन की प्रस्तुति दे रहे थे। तो ये देखिए, ये हम आ चुके हैं किले के चारों तरफ की दीवारें, और ये जैसे आप घर देख ही रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी नीले नीले घर दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको हम ब्लू सिटी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पर एडवेंचर स्पॉट भी है और जिप लाइन वगैरह आदि का प्रबंध यहाँ पर किया गया है। तो ऊपर जाने के लिए यहाँ पर पैदल मार्ग भी है और लिफ्ट का भी प्रबंध है, तो दोनों ही तरीके से हम इसको घूम के देख सकते हैं। तो अब हम ऊपर जाने के लिए यहाँ पर लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो लिफ्ट का टिकट लिया था उसके लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। और ये देखिए, यहाँ पर अंदर आपको सेफ्टी गार्ड भी मिलेंगे। और ये हम आ चुके हैं ऊपर, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी तोपें दीवार से सटी हुई नज़र आएंगी, जो उस टाइम पे इस्तेमाल की जाती थी। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही प्राचीन चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके की हैं यहाँ पर तोपें, काफ़ी रोमांचक तोपें देखने को हमको यहाँ पर मिली हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके की। इन्हीं तोपों के द्वारा लड़ाई लड़ी जाती थी। और ये देख रहे हैं आप, काफ़ी कुछ यहाँ पर हमको विभिन्न विभिन्न प्रकार की तोपों को देखने का अवसर मिला। तो ये देखिए, बहुत बड़ी बड़ी हैं देखने में और सबका एक दूसरे से विभिन्न रूप है। तो ये देखिए, कितना सुंदर और कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो मौसम तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और वीडियोग्राफी करते करते हमने यहाँ पास में ही बैठे एक प्यारे से पक्षी यानी कि तोते को भी देखा, जो बहुत ही शांति से यहाँ पे बैठा हुआ था, हमने उसकी भी फ़ोटो ली।
तो ये देखिए, चलिए अब हम चलते हैं मेहरानगढ़ के किले को देखने के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा खास बात है इस दुर्ग की, वो है यहाँ की बारीक कारीगरी, जो कि पत्थरों को बहुत ही बारीकी, बहुत ही खूबसूरती से तराशा गया है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको लोकल कलाकार भी देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छा है मनोरंजन करते हुए। अंदर काफ़ी कुछ देखने योग्य है। ये नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियाँ, ये देखिए, जहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से ये दरबार बंद कर दिए गए हैं। और अब हम चलते हैं महल के अंदर। यहाँ पे आपको पालकी खाना देखने को मिलेगा, जो प्योर सोने से बना है। अस्त्र शस्त्र भी यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। महाराजा अजीत सिंह की तलवार है, मुगल बादशाह अकबर की तलवार है, कई सारी ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। ढाल, तलवार, बंदूक, ताले, पुराने सिक्के, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग विभिन्न प्रकार के अस्त्र भी यहाँ पर मिलेंगे। पालकियाँ भी यहाँ पे हमने कई तरह की देखी, और ये है कई तरह के सोने एवं चांदी से बने पदार्थ। हुक्का भी बहुत तरह के हैं यहाँ देखने के लिए। काफ़ी सारी यहाँ पर मैंने पेंटिंग्स भी देखी, जो नेचुरल गोल्ड से बनी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा मनमुग्ध करने वाली चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बहुत ही तरह के, कई तरह की हमने यहाँ पे पोशाकें भी देखी, अस्त्र देखे, सिक्के देखे पुराने ज़माने के, कि उस टाइम पे कैसे चला करते थे। और एक से बढ़कर एक हमने यहाँ पर पोशाकें का भी आनंद लिया। तो आप देख रहे हैं कितने प्राचीन से प्राचीन यहाँ पर हमको यहाँ पे सिक्के भी देखने को मिले। बहुत ही बारीकी से हमने जोधपुर की कारीगरी भी देखी। तो आप देख ही रहे हैं कितने सारे सिक्के यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे पोशाकें हैं यहाँ पर, और बंदूकें भी हैं। और यहाँ पे इन सब के बारे में लिखा भी हुआ है कि कब, कैसे, किसने ये इस्तेमाल करी। और ये जितनी भी बंदूकें हैं, ये सारी रॉयल फैमिली से रिलेटेड हैं। ये देखिए, ये दरबार है, और यहाँ पे जो चित्रकारी है वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में चित्रकला को बहुत ही ज़्यादा यहाँ का हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। जो भी यहाँ पे चित्रकारी की जाती है वो नेचुरल एलिमेंट से बनी होती है। जो भी इसमें एलिमेंट यूज़ होता है वो बिल्कुल प्योर मटेरियल इसमें यूज़ होता है, बिल्कुल नेचुरल। और ये जो आप गोल्डन कलर इसमें देख रहे हैं पेंटिंग में, वो प्योर गोल्डन है। जैसे कि हम आपको इसमें टॉर्च डाल के देखेंगे, टॉर्च की रोशनी से इसमें जो चमकता हुआ पीला कलर है वो प्योर गोल्ड से इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इसमें सोने का काम किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ये लोकप्रिय चित्रकारी हमको देखने को मिली। तो चलिए अब हम चलते हैं किले की ऊपर की तरफ, जो एक से बढ़कर एक वहाँ पर भी हमको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं किले के अंदर, जो यहाँ पर राजा महाराजा ठहरते थे, उनके पोशाकें हैं, अचकन है, अंगरखा है, पर्दे हैं, बिछौने हैं, और ये है हमारा शीश महल। शीश महल जिसमें अद्भुत कारीगरी देखने को मिलेगी। उपयोग किए गए शीशे उत्तल आकार के हैं, रंगीन बने और पेंट से डिजाइन किए गए हैं। कहते हैं कि ये यहाँ दिए की रोशनी से ये काफ़ी झिलमिलाते थे, और ये इतना सुंदर लगता था कि सबके मन को मुग्ध करता था। और यहाँ पे ये जो पीले कलर का आपको काम दिख रहा है, ये प्योर गोल्ड का काम है। यहाँ पर राजाओं के चित्र हैं, महाराजाओं के चित्र हैं, और भगवानों के भी यहाँ पे चित्र देखने को मिलते हैं। और ये सब है अस्त्र, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। काफ़ी तरह के यहाँ पर हमने अस्त्र देखे, बंदूकें, तलवार, भाले। तो ये देखिए, हर तरह के ये उपयोग किए जाते थे। तो हर तरह की यहाँ पे तलवारें हैं, जो सब लोग यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर कक्ष बने हुए हैं। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को मजबूत प्रभाव दिखाता है यहाँ की कलाकृतियाँ। यहाँ पर हमको भगवान ब्रह्मा, श्री राम और शिव पार्वती की प्रतिमा देखने को मिलती है। बांसुरी बजाते श्री कृष्ण की भी हमको यहाँ पर चित्रकारी देखने को मिली। मेहरानगढ़ की सबसे खास बात यहाँ की बारीक कारीगरी है, जो यहाँ पे पत्थरों को तराश कर बनाई गई है। बहुत ही बारीकी से किया गया यहाँ पर काम है। यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ देखा, बहुत सारे अस्त्र देखे, तलवारें देखी, और यहाँ से ये झरोखा देखा, जहाँ से ये हमें नीचे से दिखाई देता है, जो रानियाँ इस्तेमाल करती थी। और अब हम आ गए यहाँ पे पालकी खाना में, जो रॉयल फैमिली के यहाँ पर बच्चों को जिसमें पाला जाता था। तो यहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार की, बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन की हमने पालकियाँ देखी। ये देखिए,
सारी पालकियाँ एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा विभिन्न हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। बहुत ही बारीकी से अद्भुत यहाँ पे कारीगरी करी गई है और ये झरोखा है जिसे रानियाँ यहाँ पे खड़ी होकर नीचे देखा करती थीं। और ये यहाँ पर और ये कक्ष है मनोरंजन का, जहाँ पे सब राजा महाराजा मनोरंजन किया करते थे, देखा करते थे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख ही रहे हैं किले के चारों तरफ बहुत ही सुंदर सा कारीगरी हमने देखी, और अंदर जाके हमने यहाँ के लोकल कारीगरी भी देखने को मिली, आभूषण, यहाँ के वस्त्र। यहाँ पे खरीदारी के लिए दुकानें भी हैं अगर आप यहाँ से कुछ लेना चाहते हैं तो, और यहाँ पे लोकल कलाकार भी हैं जो बहुत ही अच्छा मनोरंजन दे रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है यहाँ पर आके। तो मैं आ चुकी हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट से नीचे और ये हमने पूरा घूम लिया है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ माचिया बायोलॉजिकली पार्क। उसके बारे में अब हम देखेंगे, वहाँ भी काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हैं चीज़ें देखने के लिए। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। माचिया पार्क 1935 में महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका प्रबंधन 1956 में राजस्थान सरकार के वन विभाग को सौंपा गया और 1983 में एक पार्क और चिड़ियाघर के रूप में स्थापित किया गया। यहाँ कई जंगली जानवर जैसे हिरन, रेगिस्तानी लोमड़ी, मॉनिटर यानी छिपकली, खरगोश, जंगली बिल्लियां, कछुआ आदि का घर है, जिन्हें आप इस पार्क की यात्रा में देख सकते हैं। और विभिन्न तरह के हमने यहाँ पर पेड़ पौधे भी देखे, जैसे कि घास जो रेगिस्तान में पाई जाती हैं, वहाँ पे जो जो पेड़ पौधे होते हैं उन सबको हमने यहाँ बहुत ही बारीक से यहाँ पे हमने अध्ययन किया। तो ये देख रहे हैं आप सारी फ़ोटो, इन सब में उनके बारे में हमको यहाँ पर हमने देखा और पढ़ा। तो काफ़ी सारे हमने जंगली जानवरों को भी यहाँ पे चित्रों की सहायता से देखा। तो यही सब कुछ है यहाँ पर चिड़ियाघर में। तो मैं पहुँच चुकी हूँ बहुत ही सुंदर पक्षी के पास में। जी हाँ, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर रंग बिरंगी चिड़ियों के पास में, जो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और बहुत सारे हमने यहाँ पे जंगली जानवरों को भी देखा, जैसे कि मगरमच्छ, घड़ियाल और बतख। और ये देखिए काफ़ी तरह के हमने यहाँ घड़ियालों को भी देखा, हिरन को देखा, बतख को देखा। बच्चों के लिए तो यह स्थल बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है, उन्हें काफ़ी तरह के यहाँ पे पशु पक्षियाँ देखने को मिलेंगे, जंगली जानवर देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को भी मिलता है। बहुत ही बारीकी से इनके बारे में लिखा भी गया है, जिनको आप पढ़ के इनके बारे में पता कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिला, और बच्चों को भी आप यहाँ पे लाइए, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं यहाँ का नज़ारा देख के। तो बहुत ही ज़्यादा एक से बढ़कर एक हमने यहाँ पे जंगली जानवरों को भी देखा, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो आप जब भी आइए यहाँ पर, आप ज़रूर आइए और यहाँ पर घूम के इन पशुओं को देखकर आनंदित होइए। तो अब मैं आ चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से पक्षी के पास। जी हाँ, तोते। तोते मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। जब मैं यहाँ पर आई तब यहाँ पर जाले पे एक भी तोता नहीं था, और ये देखिए मेरे साथ खेलने के लिए बहुत सारे तोते एक एक करके आ गए। बहुत प्यारे और बहुत अच्छी इनकी मुझे आवाज़ लगती है, और सबसे अच्छा लगता है इनके साथ खेलना, इनको सहलावाना बहुत अच्छा लगता है। कभी इनकी चोंच पर, कभी इनके नाखूनों पर बहुत प्यार से ये बैठे रहे और बहुत प्यारे लग रहे थे ये देखने में। तो तोते मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो काफ़ी देर तक मैं इनके साथ खेलती रही, और फिर हम माचिया पार्क से निकलकर हम चले हैं उम्मेद भवन। तो उम्मेद भवन के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर ज़िले में स्थित एक महल है। यह दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। यह ताज होटल का ही एक अंग है।
इसका नाम महाराजा उमेद सिंह के पोत्र ने दिया था जो वर्तमान में मालिक है। अभी वर्तमान समय में इस पैलेस में 347 कमरे हैं। इस उमेद भवन पैलेस को चित्तर पैलेस के नाम से भी पहले जाना जाता था जब इसका निर्माण हुआ था। उमेद भवन पैलेस के निर्माण का इतिहास एक संत द्वारा एक अभिशाप से जुड़ा है, जिन्होंने कहा था कि राठौड़ राजवंश के सुशासन के दौरान एक अकाल पड़ेगा। इस प्रकार प्रताप सिंह के लगभग 50 साल के शासनकाल के अंत के बाद जोधपुर को लगातार 3 वर्षों की अवधि के लिए 1920 के दशक में भीषण सूखे और अकाल का सामना करना पड़ा। इस कठिनाई का सामना करने वाले क्षेत्र के किसानों ने तत्कालीन महाराजा उमेद सिंह को, जो कि जोधपुर में मारवाड़ में 37वें राठौड़ शासक थे, को कुछ रोजगार प्रदान करने के लिए मदद मांगी ताकि वे कठोर परिस्थितियों से बच सके। महाराजा ने किसानों की मदद करने के लिए एक भव्य महल बनाने का फैसला किया जो कि हम देख ही रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये महल है, बहुत ही यहाँ पे एक से बढ़कर एक हमने यहाँ पे तस्वीरें देखी जो कि महाराजा उमेद सिंह की है। बचपन से लेके युवा काल तक की हमको उनकी सारी फोटो देखने को यहाँ पर मिली। उनके अस्त्र, उनके द्वारा प्रयोग में की गई काफ़ी सारी हमने यहाँ पे चीज़ों को देखा। यहाँ पे हमने एक से बढ़कर एक कारीगरी वाली चीज़ें देखी। कई सारे हमने यहाँ पे अस्त्र देखे, उनके हमने बहुत ही प्यारी प्यारी तस्वीरें देखी और उनके द्वारा इस्तेमाल करने वाली घड़ियां भी देखी कि उस काल में हम कैसी कैसी घड़ियां देखने को मिलती थी। एक से बढ़कर एक घड़ियों का निर्माण उस समय हुआ करता था जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने में सुंदर थी। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, एक से बढ़कर एक घड़ी यहाँ पर हमने देखी जो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। तो घड़ियां हमने देखी और यहाँ का हमने बहुत आनंद लिया। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो ये वाला ज़रूर आप देखिए कि यहाँ पे घड़ियां जो हैं कितनी सुंदर सुंदर रखी हुई हैं। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे घड़ियां हैं, ये देखिए जो यहाँ के म्यूज़ियम में हमें देखने को मिली। तो एक से बढ़कर एक और अलग अलग डिज़ाइन में बनी हुई थी ये घड़ियां। कोई इंजन की शेप लेते हुए, ये देखिए किस तरीके से बहुत ही सुंदर, कोई गाड़ी के रूप में हमने देखी, कोई मोरपंख में थी, तो कोई इस तरह से थी जैसे कि कोई संदूक हो। तो बहुत ही ज़्यादा उम्दा कलाकारी हमने यहाँ पर देखी घड़ियों के रूप में। काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को हमको मिला। यहाँ पे हमने उनका राजमहल भी देखा जो इस तरह से नक्काशी के द्वारा करा गया था, ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अब हम यहाँ से चल पड़े हैं मंडोर गार्डन। ऐसा कहा जाता है कि मंदोदरी के नाम पर ही इस जगह का नाम मंडोर पड़ा। कहते हैं कि वह जगह आज भी मौजूद है जहाँ रावण और मंदोदरी ने फेरे लिए थे, लेकिन वह जगह अब खंडहर हो चुकी है, अब सिर्फ इसके अवशेष रह गए हैं। हालांकि अभी बड़ी संख्या में लोग इस जगह पर जाते हैं और महाशक्तिशाली रावण से जुड़ी कथाओं को जोड़कर इसे देखते हैं। तो अब दिन भर की घूमने फिरने की थकान को दूर करने के लिए मैं गेस्ट हाउस की तरफ चल चुकी हूँ और अब हम यहाँ पे रात भर विश्राम करेंगे और सुबह उठ के फिर हम थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। वहाँ की मैं आपको मार्केट दिखाऊंगी। सुबह हो चुकी है और अब हम चल रहे हैं मार्केट की तरफ। थोड़ा सा हम यहाँ पर शॉपिंग करेंगे और फिर हम चल पड़ेंगे घूमने के लिए दोबारा से। यहाँ की सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत चीज़ है वो है यहाँ का पहनावा। जी हाँ, यहाँ का पहनावा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ की पोशाकें, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खाना पीना बहुत ही ज़्यादा मुझको पसंद है। तो ये देखिए एक से बढ़कर एक यहाँ पर हमने मार्केट देखी। मार्केट घूमते हुए हम एक दुकान पे पहुँचे जहाँ पे मैंने लीस वगैरह खरीदी, और एक दुकान पे तो एक अंकल जी को सांप भी मिला जिन्होंने पकड़ के बहुत ही बहादुरी से इसको बंद करके रख दिया। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये शहर है,
और बहुत ही प्यारा है। यहाँ का खाना पीना, यहाँ की चित्रकारी भी देखने को हमको मिलती है, एक से बढ़कर एक चित्रकारी आपको यहाँ पर दीवारों पर देखने को मिलेंगी। तो हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर दुकानें देखी, काफ़ी कुछ यहाँ पे हमने ख़रीदा और अब हम चल रहे हैं गेस्ट हाउस में। तो दिन भर की थकान के बाद अब हम आराम करने के लिए गेस्ट हाउस में चल दिए हैं। तो अब हम जोधपुर के गेस्ट हाउस से चेकआउट कर रहे हैं और अब हम निकलेंगे जैसलमेर के लिए। तो फाइनली हमने यहाँ पे चेकआउट कर दिया है। गेस्ट हाउस के बाहर भी हमने बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, वहाँ के फूल देखे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, एक से बढ़कर एक हमको देखने को मिले। तो फाइनली आज हम IOCL के गेस्ट हाउस से भी जा रहे हैं जैसलमेर की तरफ। जैसलमेर के साथ हम एक रहस्यमयी जगह भी चलेंगे जहाँ की कहानी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, थोड़ी सी डरावनी भी है, जहाँ पर एक गांव पूरा गायब हो गया था। तो मैं चल पड़ी हूँ अब जैसलमेर के लिए। जोधपुर से जैसलमेर का रास्ता 280 किलोमीटर के आसपास है। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अद्भुत नज़ारा देखने के लिए तैयार हो जाइए। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लोकप्रिय कलाकारों से भी हम मिलेंगे। वहाँ के रहन सहन, खान पीन, पहनावा तो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी।